ओम विद्योदाम सम प्रभाम रघुपतिम स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्याभिकरवालकेटविलसद्दस्ताविरासेविताम हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाम चापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। नवरात्र भारतीय संस्कृति में एक महासुंदर पर्व है, जीवन में कष्टों को दूर करने का पर्व है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने का पर्व है। इस संसार में जो कुछ यावन मात्र ब्रह्मांड के अंदर है वो भगवान की इच्छा से ही है और उनकी इच्छा से ही जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जीवन में सुख का पदार्पण हो सकता है। और भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने अद्भुत खोज कर इन मुहूर्तों का सृजन किया और इन मुहूर्तों का वर्णन किया। नवरात्र, होलिका महारात्र, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, श्रावण के पर्व, ये सारे के सारे पर्व उसी श्रृंखला में हैं। आज हम नवरात्र के शुभ अवसर पर आपके समक्ष नव दिनों में कैसे भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करें, उस सब संबंध में आपके समक्ष कुछ बातें रखने वाले हैं। नवरात्र भारतीय संस्कृति में बड़े चमत्कारिक हैं। सनातन पद्धति के अंदर इतने सुंदर दिवस हैं कि जिसमें अद्भुत प्रकार से अपनी सिद्धियों को जगाने के लिए ये सिद्धदात्रियां मानी गई हैं। नवरात्र है, नव दिन नहीं है, इस बात को समझें। नवरात्र शब्द है भारतीय संस्कृति में, रात नव, नौ, नव रात्र, रात्रि। और समझ लीजिए जो रात्रि में भगवती की आराधना करते हैं वो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सबसे पहला दिवस है, देखिए भारतीय संस्कृति में मंत्र आया है दुर्गा सप्तशती के अंदर, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुशमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायनीति सप्तमम कालरात्रि च महागौरीति च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च। ये नव दुर्गाओं का स्वरूप भगवती के दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच के अंदर सबसे पहले बताया गया है और उसके अनुसार से इन नव दिवसों में वैसे तो विभिन्न स्वरूप हैं भगवती के, अनंत स्वरूप हैं। और अगर अष्टम अध्याय आप पढ़ें तो उसके अंदर भगवती के इतने स्वरूप निकले, उस रक्त बीज नाम के राक्षस की वध का संहार करने के लिए और उसकी समस्त सेना का संहार करने के लिए जिन्होंने समस्त राक्षसों का संहार कर दिया वो अनंत स्वरूप थे। लेकिन मुख्यतः इन नवरात्रों में इन स्वरूपों का दर्शन कर आप अपने ध्यान कर उनकी पूजा करके अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला दिवस जो है भगवती प्रथम शैलपुत्री चौ, शैलपुत्री स्वरूप यानी हिमालय की जो पुत्री हैं उन भगवती का ध्यान करने का पर्व कहा गया है। और उन भगवती का ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि देखिए इस संसार में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो सब श्रम से, तप से, साधना से, ध्यान से, अपनी पद्धति के अनुसार से आराधना करके ही प्राप्त कर सकते हैं। माँ भगवती ने स्वयं शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना करी, शैलपुत्री हिमालय की पुत्री जो थी, हिमालय के घर में जो उत्पन्न हुई थी उनको भी उस परब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए सुलभ नहीं था। कहा जाता है हजारों वर्ष तक साधना करी तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और तब जाकर भगवती को वास्तविक तौर पर अपने मन के अनुसार वो स्वरूप प्राप्त हुआ। तो आप भी यदि कुछ करना चाहते हैं जीवन में बिना श्रम के नहीं मिलने वाला है। ये नवरात्र बड़े सिद्ध रात्रि है और ऐसे में सबसे पहला दिन भगवती शैलपुत्री का ध्यान करने का है, महाकाली के ध्यान करने का है। और महाकाली का ध्यान करने के लिए शास्त्र में अनेक मंत्र बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? देखिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये देवी के तीन मुख्य स्वरूप कहे गए हैं। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और दुर्गा सप्तशती के अंदर जो पहला चरित्र है, प्रथम अध्याय है, वो भगवती महाकाली के लिए निमित्त बनाया गया है। उनका मंत्र है ध्यान का, खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघम चूलम्भुशुण्डिम शिरा शंखम संददधिम करस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटमम। शास्त्र में कथा आती है, सबसे पहले चरित्र के अंदर जो कथा सुनाई गई है कि कहा जाता है कि मधु कैटम नाम के दो राक्षस थे, पूरे संसार को त्राही त्राही कर रखा था उन्होंने, कोई जगह नहीं बची थी जहां उनका वर्चस्व न स्थापित हो। तो ऐसे में भगवान विष्णु शेष शैया में विश्राम कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि अब भगवान विष्णु को जगाना पड़ेगा योग निद्रा से। भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। योग निद्रा का अर्थ समझे,
आज हम लोग ध्यान योग के साधना के नाम पर योग निद्रा के संबंध में बहुत सारी कैसेट सुन लेते हैं और उसमें हम योग निद्रा में जाने का प्रयास करते हैं, वो योग निद्रा नहीं है भाई। योग निद्रा वास्तविक तौर पर जाने के लिए केवल एक ही तत्व के परमात्मा भगवान विष्णु ही योग निद्रा में जाते हैं वास्तविक तौर पर। क्यों, कैसे योग निद्रा में जाते हैं? ऐसी निद्रा की आवश्यकता है जहां पर सहस्त्र फन वाला जो शेषनाग है उस शैया पर भगवान विष्णु, सोचें महाकाल जहां स्वयं व्याप्त हो, ऐसे में कौन निद्रा में जा सकता है? तो ऐसे में योग निद्रा में जाने के लिए बिना उसके निद्रा आ ही नहीं सकती। महाकाल जिसके सिर पर विराजमान हो और वो सोना चला जाए, सोया तभी जाता है जब चैन हो। जहां महाकाल मृत्यु के रूप में विराजमान हो, 100,000 फन वाला सहस्त्र फन वाला नाग जहां पर स्वयं विद्यमान हो, उसकी शैया बनाकर भगवान वहां योग निद्रा ही आवश्यकता है। और योग निद्रा कैसे आएगी? कहा जाता है कि भगवान जो भगवती योग माया है वो भगवान की नेत्रों में विराजमान हो जाती है, नासिका में विराजमान हो जाती है, श्वास में विराजमान हो जाती है, हृदय में विराजमान हो जाती है, तब जाकर भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा वहां प्रार्थना करते हैं योग निद्रा से कि हे माँ भगवती, आप भगवान विष्णु को जो आपने योग निद्रा में लेके गई है उनसे बाहर लाने के लिए स्तुति करते हैं भगवान ब्रह्मा, जो भगवान विष्णु के कमल पद्म विराजमान थे, नाभि के अंदर पद्म के अंदर विराजमान थे पुष्प के अंदर। तो वो कहते हैं विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम स्थिति संघार कारणीम निद्राम भगवतीम विष्णुतलाम तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम्हें विकात्मात्मिका सुधा तुम्हें सदा नित्य मात आत्मिका सदा अर्धमात्रा सदा नित्या अनुचार्य विशेषा। ये रात्रि सूक्त के रूप में प्रथम चरित्र, वैसा अलग से प्रार्थना भी है लेकिन प्रथम चरित्र के अंदर भी ये प्रार्थना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। तो इस प्रार्थना से भगवती प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु से शरीर से बाहर निकलकर आकाश में विद्यमान हुई। वो भगवती योग माया जो है वो भगवती साक्षात महाकाली स्वरूप है। उनका ध्यान करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के जिन्होंने देवताओं के मनोरथ सिद्ध कर दिए, भगवान ब्रह्मा का मनोरथ सिद्ध कर दिया, ऐसी माँ भगवती का ध्यान करने की जो रात्रियां हैं वो नव रात्रियां हैं। ऐसे में उनसे जो अपनी जो आपकी मनोकामना है वो सिद्धि करने के लिए, अब कैसे मनोकामना से कैसे पूजा की जाए उनकी? नवरात्र साक्षात तौर पर सिद्ध रात्रियां हैं और उन नवरात्रियों के अवसर पर भगवान की पूजा करने के लिए आपको खास तौर पर उनके विभिन्न मंत्रों का स्तवन करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न मंत्रों का स्तवन किस प्रकार से किया जाए? सबसे श्रेष्ठ मंत्र जो है उनका ओम आईम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे नमः। इस मंत्र को निवारण मंत्र कहा जाता है, नवाक्षर मंत्र है। इसमें आईम जो शब्द है वो महाकाली का है, ह्रीम शब्द जो है महालक्ष्मी का है और क्लीम शब्द जो है वो महासरस्वती जी का मंत्र है। और तीनों को विविक्त रूप से संयुक्त रूप से जब उपयोग किया जाता है, ओम आईम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे नमः, जब स्वाहा किया, जब हवन करना हो तो स्वाहा लगा दिया जाता है नमक के अंदर। तो इस रूप से इस मंत्र का जप कर आप, कहा जाता है कि जो इस मंत्र के द्वारा इन नवरात्रों में पूरा एक पुरुषचरण कर लेता है, जितने अक्षर का मंत्र उतने लाख बार जप कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना सिद्धि का रहस्य अद्भुत रूप से बन जाता है। भगवती का पूजन करने के लिए पहले षोडशोपचार पूजन करें विशेष तौर पर, और उनका पूजन करने के उपरांत उनका खास तौर पर हवन कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के द्वारा, और साथ साथ इस मंत्र के द्वारा विशेष तौर पर जप करें। उनको लाल वस्त्र धारण करने का शास्त्र में नियम बताया गया है, तो लाल वस्त्र उनको धारण कराएं और विशेष तौर पर हलवे का भोग उनको लगाया जाता है। तो इन सब सामग्रियों को उपयोग करते हुए आप आनंद स्वरूप भगवती का ध्यान करते हुए उनके इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें भगवती वैष्णवी स्वरूप में, देखिएगा आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाएंगे।